अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे ऑन पेज 189। हम इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में अपना टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स स्टार्ट कर चुके थे। Now we shall prove the thermal expansion in liquids with the help of an activity on page 189। यानी कि ये आपकी पहले वाली वीडियो की कंटिन्यूएशन है, आप उसी वीडियो के साथ ही इस लेक्चर को स्टडी करेंगे। टेक अ लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क, एक लंबी गर्दन वाले फ्लास्क लें। फिल इट विद सम कलर्ड वाटर, इसमें कुछ कलर्ड लिक्विड आप फिल कर दें अप टू द मार्क ए, पॉइंट ए तक, ऑन इट्स नेक एज शोन इन द फिगर 8.20। जैसे कि आप फिगर देखें 8.21, दिस इज़ अ लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क, ये एक लंबी गर्दन वाली फ्लास्क है जो कि केमिस्ट्री लैब में मौजूद होती है। इसमें आपने कुछ कलर्ड लिक्विड को डाल दिया और आपने उस लिक्विड का लेवल कहाँ तक रखना है, ये पॉइंट ए तक आपने उस कलर्ड लिक्विड का लेवल रखना है, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। नाउ स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क, अब आप फ्लास्क को गर्म करना शुरू करें फ्रॉम बॉटम, बॉटम से। द लिक्विड लेवल, आप नोट करेंगे लिक्विड का लेवल गर्म करने के बाद सबसे पहले उसका लेवल फॉल डाउन, नीचे हो जाएगा। कहाँ तक नीचे गिर जाएगा, पॉइंट बी तक। ये देखें फिगर में, लिक्विड को हीट करने के बाद सबसे पहले लिक्विड का लेवल ए से बी तक ड्रॉप कर जाएगा, राइज नहीं करेगा, पहले वो नीचे गिर जाएगा लेवल, उसके बाद लिक्विड का लेवल बी से राइज करता चला जाएगा अनटिल इट रीचेज द पॉइंट सी, हत्ता कि वो पॉइंट सी तक पहुंच जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिक्विड का लेवल पहले डिक्रीज क्यों हुआ, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, पहले वो डिक्रीज क्यों हुआ? उसकी वजह ये है, द हीट फर्स्ट रीचेज द फ्लास्क, हीट सबसे पहले फ्लास्क तक पहुंची है, लिक्विड तक बाद में पहुंची है, पहले किसको पहुंची है, फ्लास्क को, यानी कि सॉलिड को। तो सॉलिड को जैसे ही हीट मिली वो एक्सपेंड हो गया, यानी कि फ्लास्क एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यानी कि लिक्विड का लेवल डिक्रीज हुआ, क्योंकि हीट करने के बाद फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में लिक्विड डिसेंड्स, लिक्विड नीचे गिर गया इन द फ्लास्क, फ्लास्क में, एंड इट्स लेवल फॉल्स टू बी, और उसका लेवल बी लेवल, बी पॉइंट तक डिक्रीज कर गया, डिसेंड कर गया, नीचे गिर गया। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद द लिक्विड बिगेन्स टू राइज, लिक्विड का लेवल राइज करना शुरू कर गया अबव बी, बी पॉइंट से भी ऊपर, ऑन गेटिंग हॉट, गर्म करने के बाद। एट सर्टन टेम्परेचर, और फिर आखिरकार एक ख़ास टेम्परेचर पर लिक्विड का लेवल पॉइंट सी तक पहुंच गया। द राइज इन द लेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, अब ये देखें डायग्राम में, ये जो लिक्विड का लेवल ए से सी तक जो राइज करके गया है, दिस राइज इन द लिक्विड फ्रॉम ए टू सी, दिस इज नोन एज अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, दिस इज नोन एज अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, दिस इज नोन एज अपेरेंट एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, अपेरेंट एक्सपेंशन। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन क्या है? एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ड्यू टू द एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। लेकिन जो लिक्विड की जो रियल एक्सपेंशन है या जो एक्चुअल एक्सपेंशन है
वो तो कहाँ से हुई है, फ्रॉम बी टू सी हुई है, क्योंकि बी टू सी तक की एक्सपेंशन में फ्लास्क की एक्सपेंशन भी शामिल है। आप ए से बी तक किसकी एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे, फ्लास्क की, और ए से सी तक किसकी एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे, लिक्विड की। तो बी से लेकर सी तक टोटल जो एक्सपेंशन होगी वो क्या कहलाएगी, रियल एक्सपेंशन, या उसको हम कहेंगे एक्चुअल एक्सपेंशन। तो थस इसलिए हम कह सकते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इन एडिशन टू द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। जब आप लिक्विड की रियल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे, रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, तो उसमें आपको ए टू सी लिक्विड की अपेरेंट एक्सपेंशन भी ऐड करनी है, प्लस ए टू बी उसमें आपको फ्लास्क की एक्सपेंशन भी ऐड करना पड़ेगी। अगर आप फ्लास्क की एक्सपेंशन जो कि ए से बी तक है उसमें ऐड कर दें लिक्विड की एक्सपेंशन जो कि ए टू सी है, तो फिर ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगी बी सी, यानी कि रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ये है रियल एक्सपेंशन। कल मैंने जो आपको दो टाइप्स पढ़ाई थी लिक्विड की एक्सपेंशन की, एक अपेरेंट एक्सपेंशन थी और एक रियल एक्सपेंशन थी, तो आज हमने इस वीडियो में उन दोनों एक्सपेंशन को डायग्राम के ज़रिए यहाँ तक हमने इसको डिस्कस हमने कर लिया है। ये आपका आज के इस वीडियो का टॉपिक आपका यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ को क्लियर इंशाल्लाह करवा दूंगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।